The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar. So heart attack, baatcheet ho rahi hai ki golden period kya hai. अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा समय है गोल्डन आवर गोल्डन पीरियड जिसमें कि अगर कोई किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उस हार्ट अटैक को में जो देखिए हार्ट अटैक जानलेवा बीमारी है, जानलेवा मतलब जान का खतरा, तो सबसे ज़्यादा जान बचाने का जो सबसे ज़्यादा चांस होता है, सबसे ज़्यादा मिनिमल डैमेज होने का जो चांस हो, 100% रिकवरी होने का जो चांस होता है, उस चांस को बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं गोल्डन पीरियड, गोल्डन आवर, जो भी आप कह लीजिए. बेसिकली ये क्या है, बेसिकली अटैक, हार्ट अटैक क्या है, आप जानते हैं हमारे वीडियोस कई बन चुके हैं इस पे कि हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट को जाने वाली कोई खून की नस ब्लॉक हो जाए. ना हार्ट के अंदर टेक्निकली बहुत सारी खून के नसों का पूरा पेड़ होता है, वो पेड़ अंदर ही अंदर हमें ब्लड सप्लाई दे रहा है और ये ब्लड सप्लाई से हमें क्या होता है, हमें दिख रहा है कि उनमें से किसी भी एक नस में, किसी भी एक खून की नस में अगर ब्लॉकेज आ जाए. मान लीजिए, लेट मी जस्ट शो यू दिस. नाउ वी हैव दिस एंड वी ऑल्सो हैव वन मोर थिंग हियर, दिस. ऑलराइट, सो दिस इज द हार्ट. दिल के अंदर दो हिस्से होते हैं, अच्छा खून बुरा खून ले जाने वाले, और ये जो आजू बाजू उसके दिख रही हैं ये खून की नसें हैं. ये खून की नसों की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और जैसे ये है, राइट. सो ये हार्ट है, राइट. इस हार्ट में जो बहुत सारी ये होती हैं नसें दिख रही हैं आपको, छोटी छोटी नसें, दीज आर ब्लड वेसल्स. सो होता क्या है, इनमें से किसी भी खून की नस में अगर क्लॉट आ जाए. देखिए अटैक कैसे आता है, इसमें दो हिस्से हैं. कहीं पर भी ये बात याद रखिए, हार्ट अटैक, खून की नस ब्लॉक होने को हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे घर की नाली ब्लॉक होने को. जी हाँ, कर सकते हैं. उसको कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे उसके इसके दो हिस्से हैं बेसिकली. नंबर एक हिस्सा ये है कि सबसे पहले ये समझना है कि घर की नाली हो, चाहे वो हमारे कहीं की भी नाली हो, नाली को ब्लॉक होने के लिए कुछ ना कुछ ने कहीं ना कहीं अटकना ज़रूरी है. अगर कोई बड़ी सी चीज़ डालेंगे जो घुस ही नहीं सकती है, जो अंदर मुंह के अंदर ही नहीं घुसेगी तो वो अंदर ब्लॉक कैसे, वो तो आगे चल के घुसेगी नहीं तो पहले ही ब्लॉक हो जाएगी, है ना. तो जो चीज़ घुस सकती है लेकिन अंदर जाते हुए ना उसके जो सर्कमफ्रेंस है उसके डायमीटर से पतला है लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं चिपक गया किसी कारणवश, उसको वो वहाँ जाके कोई ना कोई चीज़ चिपकती है. इस केस में हार्ट की नसों के केस में हार्ट के अंदर होता है वो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल उसमें जाके चिपकता है, जहाँ पर खून की नसों में इंटरनल इंजरी होती है, चाहे वो स्मोकिंग से हो, चाहे स्ट्रेस से हो, चाहे डायबिटीज से हो, हाई ब्लड प्रेशर से हो, चाहे उम्र के साथ हो, उम्र के साथ सब में होती. तो थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल सब में चिपकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी जाके चिपकता ही है, कहीं ना कहीं जाके. तो समथिंग है स्टक, ये अटैक नहीं कर देगा. दिस इज द स्मॉल स्टार्ट पॉइंट. ये स्टार्ट पॉइंट पे फिर चीज़ें आके चिपकनी शुरू हो जाती हैं कोई ना कोई, जैसे ब्लॉकेज में जाके कभी बाल चिपक जाते हैं, कभी कुछ और चिपक जाता है, कभी च्युइंगम चलेगी वो चिपक गई उसके अंदर चीज़ें चिपकनी शुरू हो गई, कभी कुछ और चिपक जाता है. सो ऐसी ही कोई ना कोई चीज़ चिपक रही होती है आपके प्लाक बनाने, प्लाक पे कभी प्लेटलेट चिपक रहे हैं, कभी कोई और सेल्स चिपक के मोटा मोटा एक प्लाक बनता जाता है. और शरीर क्या करता है, नॉर्मली शरीर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्लाक को फिक्स करता जाता है. जी हाँ, शरीर के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि प्लाक निकलता जाए, नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर ये मैकेनिज्म ज़रूरी है कि प्लाक घुल नहीं सकता है तो इसको फिक्स कर दो, कि ये ना हो कि ये प्लाक कहीं से टूट के एक क्लॉट बन के घूमने लग जाए. जी हाँ, टूट के क्लॉट बन के घूमेगा तो मोटी नस में बना है और आगे जाके छोटी नस को ब्लॉक कर देगा, है कि नहीं. सो इसलिए शरीर क्या करता है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट करता है और उसको फिक्स कर देता है, उसको परमानेंट कर देता है, कैल्सीफाइड कर देता है. सो कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, खून के सेल्स, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों का रोल है,
अटैक होने में, और ये दिनों में नहीं होता, ये महीनों में सालों में होता है। सो महीनों सालों में प्लाक बना जिसने खून की नस को थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब कभी 10%, किसी में 20%, किसी में 40%, किसी में 60%, किसी में 80% तक बंद कर दिया। अब खून की नस अगर 60%, 80%, 90% बंद है तो भी ब्लड तो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे घर की नाली 60-80% बंद हो फिर भी पानी आगे जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन एक चीज मोटी सी उसमें घुस गई तो वो जाके वहां अटक सकती है और पूरा ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब ब्लॉकेज 70-80% के ऊपर होता है तो कोई भी खून का क्लॉट वहां घूमता फिरता कहीं से आ गया, जो वहां अटक गया, तो वो ब्लॉक कर देगा पूरा रास्ता। तो यहां दो चीजें हैं दोस्तों, एक है प्री एग्जिस्टिंग प्लाक जो महीनों में हुआ है, सालों में हुआ है, जो के नहीं निकलता, याद रखिए वो कोई दवाई नहीं निकाल सकती, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं निकलता। जी हाँ, वो कोई दवाई से नहीं निकलता, कुछ नहीं कर सकते। कैल्शियम लगाओ जब तक उसमें ड्रिल नहीं कर सकते ना, ड्रिलर से, तब तक कुछ नहीं, मैकेनिकली निकाल सकते हैं और कैसे नहीं निकाल सकते उसको दवाई से। लेकिन आया साथ में क्या, उसमें आ गया एक क्लॉट, एक क्या आ गया, खून का क्लॉट। कभी कभी खून का क्लॉट दूर से आ सकता है, और ज़्यादा केसेस में क्या हो जाता है कि ये प्लाक जो है इन्फेक्ट हो जाता है, पिंपल सा बन जाता है उसके, वो पिंपल फूटता है, ब्लड निकलता है, वो ब्लीडिंग अंदर ही अंदर क्लॉट बना देता है और बंद कर देता है उसको, क्लॉट। तो यहाँ क्या बना, एक नस बंद हुई है, वहाँ पर एक प्री एग्जिस्टिंग सालों से बना प्लाक है जिसमें कभी कैल्शियम है, कभी प्लेटलेट है, कुछ सारी चीज़ें हैं, मिक्सचर है, बढ़िया प्लाक है, प्लाक के ऊपर पिंपल फूटा और एक क्लॉट बन गया। अब ये क्लॉट जो है, ये खून का थपका, ये क्लॉट, ये खून, ये सॉफ्ट पार्ट है। ये सॉफ्ट पार्ट इसलिए कि ये हटाया जा सकता है दवाई से, कभी कभी खुद भी हट जाता है, दिमाग में आया क्लॉट अटका फिर चला गया। जी हाँ, कभी कभी खुद भी क्लॉट अटक जाता है, हट जाता है, कभी कभी अटका रह जाता है, खासकर जब इस तरह से पिंपल फूटता है तो फिर वो नहीं हटता। सो इसको जब ये होगा ऐसा तो क्या होगा, आगे जाना ब्लड बंद, आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो जो भी हिस्से को ब्लड जा रहा था, जो भी खून की नस थी, उस आगे जाने वाले हिस्से का काम ठप, वहां नो ऑक्सीजन, नो ब्लड, नो सप्लाई, तो वहां के सेल्स जो हैं स्टार्व होके मरने लगते हैं। हार्ट इज समथिंग जो रुक नहीं सकता, जो काम करता रहेगा, तो उसको कांस्टेंट ब्लड, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, तो आपको पेन होने लगेगा या हार्ट फेल होने लगेगा। पेन जिसको नहीं है डायबिटीज, जिसकी नस नहीं ख़राब है वहाँ की, उसको पेन महसूस होगा, दबाव महसूस होगा, छाती में हो सकता है, गले में हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो सकता है, कभी पीठ में जाएगा, कभी बाएं हाथ में जाएगा, कभी गले में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हार्ट के किस हिस्से को खून नहीं जा रहा। हार्ट के ऊपर के हिस्से को नहीं जा रहा तो इधर जा सकता है दर्द, अगर इधर नहीं जा रहा तो बाईं तरफ जा सकता है, पीछे की तरफ वाले हार्ट के हिस्से को दिक्कत हो रही है तो पीठ में जा सकता है, नीचे होता नीचे जा सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी नस बंद हुई है इनमें से, दैट विल डिटरमाइन कि कहाँ पर दर्द होगा। कभी कभी दर्द नहीं होता डायबिटिक पेशेंट्स में, तो वो हिस्सा सिर्फ काम करना कम कर देता है, इन दैट केस दैट इज हार्ट फेलियर, सांस फूलने लगता है, पसीने आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। नाउ अब इस चीज को अगर जैसे ही छाती में दर्द शुरू हुआ, जैसे ही पसीना आया, वो टाइम शुरू होता है आपका गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम, गोल्डन आवर। इसको क्या बोलते हैं कि पहले तीन से छह घंटे के अंदर अगर इस चीज को खोल लिया जाए, अगर इसमें जो क्लॉट आया है उसको हटवा दिया जाए, रीवैस्कुलराइज कर दिया जाए, रीवैस्कुलराइज मतलब वहां खून का सप्लाई बढ़ गया, वापस आ गया, सो देर विल बी नो डैमेज और मिनिमल डैमेज, हार्ट अटैक से जान का खतरा मिनिमम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दैट इज वेयर इट इज अ गोल्डन पीरियड। नाउ पहले इसको गोल्डन आवर बोला जाता था, जिसमें एक घंटे को बोला, एक घंटे के अंदर ही करना है, एक घंटे के अंदर बहुत अच्छा। बट नाउ इट्स नॉट गोल्डन आवर, इट्स बेसिकली 3 से 6 घंटे। पहले 3 से 6 घंटे बहुत अच्छे होते हैं जिसमें रिवेस्कुलराइजेशन बेस्ट होता है। सो 3 से 6 घंटे इज द गोल्डन पीरियड, राइट। इस गोल्डन पीरियड के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डैमेज हो जाएगा। नाउ दैट विल डिपेंड अपॉन कि कहाँ ब्लॉकेज है। अगर जड़ के आसपास ब्लॉकेज है, मोटी मोटी नसों में ब्लॉकेज है जड़ के आसपास, तब तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ब्लॉक हुआ वैसे ही हार्ट रुक गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि पूरे हार्ट को एक साथ ब्लड नहीं गया, हार्ट रुक गया, ये भी होता है। लेकिन
जिनमें जड़ में नहीं है, थोड़े बड़ी ब्रांचेस में है, उनमें ऐसा हो सकता है कि पहले 3 से 6 घंटे में फायदा हो जाए। ऐसे में 2 तरीके होते हैं उस क्लॉट को हटाने के। प्लाक को नहीं हटा रहे हैं, याद रखिएगा, क्लॉट को हटा रहे हैं, उसके ऊपर जो खून का थपका है उसको हटाने के दो तरीके हैं। नंबर 1, खून पतला करने का जो क्लॉट घोलने का इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है, जो आपको पता होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, टेनेक्टिप्लेज, राइट, इन सब के इस तरह के इंजेक्शंस हैं, और बेसिकली TPA और STKs। दूसरा तरीका है स्टंट लगाने का, कोरोनरी स्टंट। स्टंट लगा के जैसे एंजियोग्राफी करके देखा जाता है कि भाई चलो इधर थोड़ा ब्लॉकेज है, इधर थोड़ा, मल्टीपल जगह भी हो सकता है, मेन ब्लॉकेज ये है, ये बंद हो पड़ी है, नस 99% 100% बंद है, तो उसमें तार डाल के अंदर से उसके तार डाला जाता है, गुब्बारा डाला जाता है, बलून से उसको फुला दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, क्लॉट भी फूल जाता है, कभी कभी क्लॉट को छिक सक करके खींच सकते हैं, सक करके खींच भी सकते हैं, फिर उसको फुला देते हैं बलून से, तो जो प्लेक है वो भी थोड़ा दब जाता है और दबी हुई नस भी थोड़ी सी खुल जाती है, और फिर उसके ऊपर हम छल्ला लगा देते हैं, स्टंट लगा देते हैं ताकि वो अंदर ना आए, रिकॉइल ना हो, तो स्टंट लग जाता है तो नस खुल जाती है, प्लाक खत्म नहीं हुआ, प्लाक दब गया और नस थोड़ी फूल वहां से वो हो गई, फैल गई, लेकिन प्लाक खत्म नहीं हुआ, प्लाक वही है, ठीक है, इसलिए वहां पर दवाइयां चलती हैं उसके बाद कंपल्सरी आपको 6 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल लगातार खून पतला करने की दवाइयां चलती। तो पहले 3 से 6 घंटे इज द बेस्ट टाइम जिसमें हार्ट अटैक से जान का खतरा बच सकता है, रिदम प्रॉब्लम्स का खतरा बच सकता है, आगे चल के हार्ट फेलियर का खतरा बच सकता है। सो पहले 3 से 6 घंटे में, इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी दर्द हो रहा है तुरंत जाके ECG कराओ, इकोकार्डियोग्राफी कराओ, ट्रोपाई, 3 टेस्ट याद रखने हैं आपको, ECG इज द बेसिक, इकोकार्डियोग्राफी और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एंजाइम है, हार्ट के अंदर जरा भी डैमेज होता है वो ब्लड में आ जाता है, डिटेक्टेबल होता है पहले 2 घंटे के अंदर, हाई सेंसिटिव वाला, नॉन हाई सेंसिटिविटी नहीं है तो 4 घंटे के अंदर डिटेक्ट होता है, इसीलिए ECG इज द बेस्ट, ECG कराओ, कुछ दिक्कत हो रही है एडमिट हो जाओ। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट गोल्डन पीरियड।